हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने गाड़ी का आरसी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको गाड़ी का आरसी डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और साथ में यह भी दिखाऊँगा कि कैसे आप अपने आरसी में मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। गाड़ी की आरसी डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पेज पर आने के बाद आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपने स्टेट सिलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट में आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किया गया है। आपको उस स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देना है और यहाँ अपना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको व्हीकल आरसी रिलेटेड काफ़ी सारे सर्विसेज देखने को मिल जाएगा। व्हीकल आरसी डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पर आ जाना होगा और यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा आरसी प्रिंट का। इसके पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि आपके आरसी के साथ मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, क्योंकि आरसी डाउनलोड करने के लिए आपके आरसी के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है और उसको यहाँ पे फिल करने के बाद ही आपका आरसी डाउनलोड होता है। आरसी के साथ मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है उसको अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर सर्विसेज पर आ जाना है। उसके बाद एडिशनल सर्विस में अपडेट मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा जहां आप अपना व्हीकल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहां पे अपना चैसिस नंबर और यहां पे इंजन नंबर आपको फिल कर देना है। इंजन नंबर और चैसिस नंबर आपके आरसी पर ही लिखा हुआ रहता है, जिसको आप यहां पे टाइप कर देना है। इसके बाद व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है जब तक आपका आरसी वैलिड है। आरसी का वैलिडिटी जब तक है आपका, वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये भी आरसी पर ही आपका लिखा हुआ रहेगा। फिर आप शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने व्हीकल ओनर का नाम और उनका एड्रेस आ जाएगा। साथ ही में आप मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर आपका आरसी के साथ लिंक किया गया है। अगर मोबाइल नंबर सही है तो आप यहां से डायरेक्टली होम पर वापस आ जाएंगे, और अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप यहां से वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आप अपडेट करना चाहते हैं। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो नंबर आप डालेंगे यहाँ पर, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसको यहाँ पर फिल कर देना है आपको और सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। आपके आरसी पर मोबाइल नंबर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको गाड़ी का आरसी डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड डॉक्यूमेंट में आरसी प्रिंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ चैसिस नंबर और यहाँ पर इंजन नंबर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने आपकी गाड़ी की आरसी आ जाएगी। इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं या तो इसको पीडीएफ में भी सेव करके अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलता है जो आपके ओरिजिनल आरसी में मिलता है, जो आपको आरटीओ से जो आरसी मिलता है उस वही सेम डिटेल इसमें भी रहता है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी का आरसी डाउनलोड कर सकते हैं और आरसी के साथ मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।